नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। अच्छे भविष्य की तलाश और रोजी रोटी कमाने के लिए नौजवान विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन गलत एजेंट के हत्थे चढ़ अपनी जिंदगी खतरे में डाल बैठते हैं। गुरदासपुर के गांव रामपुर के रहने वाले नौजवान मलकीत सिंह ने दुबई के अबू धाबी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर भारत सरकार और सांसद भगवंत मान को मदद की गुहार लगाई है। गुरदासपुर के एक एजेंट ने उन्हें धोखे के साथ अबू धाबी में गलत काम में फंसा दिया है और उसने वीडियो में कहा कि वो काफी बीमार है और दुबई में उसे बंदी बनाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है, इसलिए उसे जल्द से जल्द भारत वापस बुलाया जाए और एजेंट पर कार्रवाई की जाए। जानकारी देते हुए पीड़ित नौजवान के पिता सलविंदर सिंह और समाज सेवी नौजवान हरपिंदर सिंह ने बताया कि मलकीत सिंह 7 महीने पहले घर की गरीबी दूर करने के लिए विदेश गया था। उसे गुरदासपुर के गांव छीना के रहने वाले एजेंट पाल सिंह ने 70,000 रुपए लेकर दुबई की एक कंपनी में भेजने के लिए कहा था, लेकिन इसे किसी ठेकेदार यानी सप्लायर के पास भेज दिया गया और वहां इसे बंदी बनाकर रखा गया। रोज इसके साथ मारपीट की जाती है और वो काफी बीमार भी है। एजेंट ने कहा था कि इसकी तनख्वाह 20,000 रुपए लगेगी, लेकिन 7 महीने में सिर्फ 2 बार उसे 10,000 रुपए ही मिले। इसके बाद उसे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन अब जब एजेंट के साथ बात की गई तो उसने कहा कि उसे वापस बुलाना है तो 40,000 रुपए और देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको जिससे शिकायत करनी है उससे कर दीजिए। परिवार की सरकार से मांग है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए, क्योंकि परिवार की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। ये परिवार जी पिंड रामपुर जिला गुरदासपुर का है। ये परिवार के बहुत माड़े हालात ने, जो कि परिवार की एक छोटी 12 साल की बच्ची जिहदा चूल्हा भी टुटिया उहदा इलाज भी नहीं करवा सकते, तो इन्होंने ब्याजी पैसे फड़ के अज तो 7 महीने पहल अपने बेटे मलकीत सिंह एजेंट पाला छीनिया वाला वो राही दुबई कह के मुड़ के दुबई ची अबू धाबी शहर पैंता सरकारी कंपनी दसी कि जिहड़ी कंपनी 18,000 सैलरी रोटी पानी कंपनी का 8 घंटे ड्यूटी ओवर टाइम अलग लगेगा मैडिकल इंश्योरेंस सारा कुछ, तो उत्थे जो बच्चा जाता तो वह एक प्राइवेट ठेकेदार को फस गया जो सप्लाई का काम किया जाता। वो बच्चे ने जो सानू वीडियो भेजी रो रो के बुरा हाल दस के असी परिवार ने संपर्क किया, तो एजेंट नाल भी संपर्क किया, तो एजेंट ने मैनू जवाब दिता जी मेरा तो अगली पार्टी फोन भी नहीं चकती, मैं तो विआह दे विच सीगा तुहानू मिल लैने आ, कोई उत्तर पता नहीं दिता। अगला हुशियारपुर का नंबर दे दिता तो हुशियारपुर वाले अगों आंदे कि तुसीं पुलिस नाल कॉन्टैक्ट कर लो, तो जदों पता लगा एजेंट ने इन्हां नू फोन किया कि तुसीं समाज सेवा संस्था ठिकरीवाल को की करन गए सी, फिर ला लो जोर जिहड़ा लाउणा असीं, पहलां तो कहिंदा कि मेरे हाथ वस कुछ नहीं आ, मुड़ के उन्हें परिवार को कहा कि जे तुसीं मंगाउणा ही चाहुंदे मैं कोशिश करदा पर 40,000 रुपया होर लग जाएगा, तो जो फिर असी गल की तो मुड़ के उन्हें परिवार के प्यो नूं कहा कि तुसी कादियां संस्था कोल की करन जांदे जिहड़ा जोर लगता ला लो, तो मैं नहीं मंगवा सकता, तो तुसी पुलिस तां अंदर ही भेज दोगे मैनूं अतवाद की करोगे। पंजाब सरकार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भगवंत मान जी मोदी साहब को यही मंग करदा सोशल मीडिया के जरिए कि यह परिवार इस टाइम रात दिन सुकने पिया रो रो के बुरा हाल है माँ का पिता का, तो उत्थे बेटा भी रो रहा वो बार बार फोन कर रहा कि भाजी मैनू मार देंगे ये वीडियो वायरल होने तो बाद भी मैनू तंगी देंगे तो मैनू वापस मंगाओ, तो मैं सरकार को कहना कि संजीदगी लेंदे हो इस गल पर ध्यान देंदे हो जल्दी जो जल्दी इन्हों का बेटा मंगवाया जाए जो कि परिवार के बच्चे अपने बच्चों में आ जाए तो इन्हों भी फिक्र दूर हो जाए तो उस एजेंट पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो कि होर परिवार गरीबों के बच्चे जोड़े इस तरह उजड़ तो बच सकन। दुबई च भेजे अबू धाबी एजेंट वा सीनिया का पाला एजेंट इन्हें 70,000 रुपया लिया 18,000 दी सैलरी होगी इधर दी, तो उन्हें 2 तनखावां सानू भेजिया ने सिर्फ, उस बाद कोई प्यासा नहीं आया, साढ़े मुंडे ना मार कुट हो धक्काशाही हो ना मुंडे नू रोटी ना पानी बीमार पिया, तो अं सरकार को भगवंत मान को तो मोदी को दरखास्त करते हैं कि सानू इंसाफ दवाया जाए साडा मुंडा जिहड़ा वह सानू वापस मंगा के दिता जाए, तो पाल एजेंट नूं अहीं 2-4 वारी आख्या ये गाड़ियों सानू कदी कोस ना दिंदा कदी कोस ना दिंदा कदी इहदा मेरा 40,000 रुपया लगता इहदा मतलब 40,000 मैनू चढ़ाउंदा भी मैनू 40,000 रुपया होर दे तो मैं इहदे मुंडे नूं मंगावां, तो कदी आख दिंदा मैं भेजना मेरा काम आ तो मैं मंगा नहीं सकदा इहनूं की तनखाह नहीं मिलदी की नहीं मिलदा उत्थे उन्हें कुछ नहीं मिलता जी उन्हें मिलता हो सानू रोन इतने को आवे साडे मुंडा उत्थे रो रो के बीमार होया पिया रोंदा उन्हें धक्के वजदे आ उन्हें ठुड मारदे आ ते बहुत मंदी हालत है साडे बच्चे की, तो अं सरकार करी इहो बेनती करदे आ कि साडे बच्चे नूं उधरों वापस मंगाया जाए, अं सरकार करी इहो मत जोड़ के बेनती आ। 70,000 रुपया लगा तो अं 60,000 रुपया ब्याजी चुकया ही
ਤੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਕਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਸੌਖਾ ਆਜੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਬੂਧਾਬੀ ਭੇਜਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਬੂਧਾਬੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਅਲਸਰਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ, ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਢਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਚਾਰ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾੜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸਨ ਸੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਤਾ ਅਬੂਧਾਬੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਚਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।